आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के लाजपुर गांव में कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने कर्पूरी चर्चा आयोजित किया। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। वहीं कर्पूरी चर्चा में शामिल होने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शिरकत किए, जहां जदयू के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित करते हुए कर्पूरी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा की, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया। सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों और विचारों पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की 18 साल के विकास कार्यों का जन जन तक पहुँचाने का काम कर्पूरी चर्चा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन से देश लहूलुहान है, संविधान के ढांचे को भाजपा नष्ट कर रही है। ये सब बातें कर्पूरी चर्चा के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह पहले कर्पूरी चर्चा की शुरुआत हुई और लगातार ये दूसरा चरण है जो अनवरत चलता रहेगा। इस कार्यक्रम को सभी जिला में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ लिया और सभी जगह सफलता मिल रही है। कार्यक्रम का मुख्य समापन 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी जयंती के अवसर पर उनके जयंती समारोह में समापन होगा। इस दौरान कुचायकोट विधायक अमृत कुमार पांडे और पप्पू पांडे, सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कर्पूरी चर्चा को पूरे बिहार के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हाथों हाथ ले लिया, ये सभी जगह ऐतिहासिक हो रहा है, अपार सफलता मिल रही है। कर्पूरी चर्चा के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचार है, आदर्श है, जिनको साकार करने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो किए हैं और उनके कार्यों जो 18 वर्ष के जो शासन काल में जो कार्य हुआ है, जो अद्भुत कार्य हुआ, जो विकास का कार्य हुआ, उसको गाँव तक के, घर घर तक के, जन जन तक पहुँचाने का काम इस कर्पूरी चर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। और जो जो विपक्षी जो है, विपक्ष है जो फिरका प्रस्तागत है, जो आज देश को स्थिति हालात है, जो आज देश लहूलुहान है, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, जो संविधान को, संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको जो है, जो उनके जो चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए, जो आज जो देख रहे हैं कि अति पिछड़ा के जो विरोधी चेहरा है भाजपा, उसको बेनकाब करने के लिए, उसको पोल खोलने के लिए ये चर्चा हो रही है। ये चर्चा यह लंबा कार्यक्रम चलेगा। यह जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है 24 जनवरी को, उस जयंती के अवसर पर इसका समापन होगा और भव्य कार्यक्रम होगा उसका। नहीं, ये तो परंपरा है, जब राष्ट्रपति उस पर भोज का आयोजन करते हैं तो मुख्यमंत्री को जाना परंपरा है। नहीं, उसको राजनीतिक रूप से आप लोग नहीं लीजिए, इसको राजनीतिक का कोई, हम लोग का राजनीतिक का हिस्सा नहीं है। कहीं भोज का आयोजन जो हो रहा है और उसमें भी राष्ट्रपति आयोजन किए हैं। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाकर आपसी सुलह व समझौता किया गया। इस दौरान 1684 मामलों का निष्पादन किया गया। लोक अदालत के दौरान हर तरह के वाद का निष्पादन किया गया। इसको लेकर कुल 22 पीठ का गठन कर न्यायिक पदाधिकारियों से लेकर पैनल अधिवक्ता व कर्मियों तक की तैनाती की गई थी। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय, एडीजी प्रथम गीता गुप्ता तथा जिला विधिक संघ के सचिव शैलेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला जज ने आपसी समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वाद का निपटारा करने की अपील की। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने बताया कि आयोजन के पूर्व हम लोगों ने प्रयत्न किया था, हमारे जो भी प्रभारी सचिव हैं उन्होंने काफी गहन प्रयास किया था, जिसमें प्रशासन और एसपी का काफी ज्यादा योगदान रहा। 6000 से आज नोटिस पक्षधारों को हुआ था। मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद 549 लंबित चिन्हित मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन लिया गया। उन्होंने बताया कि कुल 1684 मामलों का निष्पादन हुआ है। उन्होंने बताया कि 549 मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1989 और 90 का वाद सुलह के आधार पर निष्पादन किया गया। कुल 12 वैवाहिक मामलों का निष्पादन हुआ जो भरण पोषण से संबंधित थे। एक्सीडेंट का एक मामला था निष्पादन हुआ, जिसमें 5,10,000 का सेटलमेंट हुआ। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन मामलों में 1135 मामलों का निष्पादन हुआ। इनमें अधिकांश बैंक से संबंधित मामले हैं।
कुल करीब 7.5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ। मौके पर 7,49,000 रुपए बैंकों ने पक्षधारों से रिलाइज किया। ये बहुत ही सफल लोक अदालत रहा। बता दें कि इस लोक अदालत को लेकर गठित किए गए 22 पीठ में न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा पैनल अधिवक्ता व न्यायालय के कर्मियों की भी तैनाती की गई थी। लोक अदालत को लेकर पीठ में अपर जिला जज स्तर के पदाधिकारियों के अलावा सब जज व न्यायिक पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई थी। उद्घाटन समारोह में तमाम न्यायिक पदाधिकारियों, बैंकों के कर्मी, अधिवक्ता व सैकड़ों की संख्या में पक्षकार मौजूद रहे। लोक अदालत में निष्पादित किए गए आपराधिक मामलों में 10 साल से अधिक पुराने वाद की संख्या 3 रही। आज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर और बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मार्गदर्शन में गोपालगंज न्याय मंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन से पूर्व हम लोगों ने प्रयत्न किया था, हमारे जो प्रभारी सचिव हैं उन्होंने काफ़ी गहन प्रयास किया था और प्रशासन के माध्यम से, जिसमें एसपी गोपालगंज का काफ़ी सहयोग रहा है, 6,000 से ज़्यादा नोटिसेज हम लोगों ने पक्षकारों को जारी किया था और उसका प्रभाव ये हुआ कि आज मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भारी संख्या में वादकारी यहाँ गोपालगंज न्यायमंडल में उपस्थित हुए थे और न्यायालय में लंबित कुल 549 मामले जो हम लोगों ने चिन्हित किए थे उनमें से आज सफलतापूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलह के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। इन 549 मामलों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1989 का और एक 1990 का जो लंबित वाद था उसका निष्पादन किया गया है, जो कि 30 साल से भी पुराने वाद थे जिनका सुलह के आधार पर निष्पादन किया गया। और न्यायालय में लंबित मामलों में पारिवारिक जो विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं हमारे यहाँ परिवार न्यायालय में, उसमें हमारे जो प्रधान न्यायाधीश ब्रजेश जी हैं उनके प्रयास से कुल 12 वैवाहिक मामलों का निष्पादन हुआ है जो मूलतः भरण पोषण वाद से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त मोटर क्लेम्स, एक्सीडेंट क्लेम्स का एक मामला निष्पादित हुआ है जिसमें 5,12,000 का सेटलमेंट हुआ है, 5,10,000 का सेटलमेंट हुआ है, जो इसमें भी ये हमारे प्रधान न्यायाधीश जो ब्रजेश जी हैं उन्हीं के पीठ में ये मामला था। और इन 549 मामलों के अतिरिक्त प्री लिटिगेटेड मामलों में 1,135 मामलों का निष्पादन किया जा सका है। इनमें मूलतः ज़्यादा से ज़्यादा मामले जो हैं वो बैंक से संबंधित मामले हैं। कुल करीब 7.5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट इस लोक अदालत में इन 1,135 मामलों में हुआ है। उनमें से मौके पे 7,79,000 रुपये बैंकों ने रियलाइज़ किया है पक्षकारों से। ये बहुत ही सफल लोक अदालत रहा है। जो प्रयास हम लोगों का रहा है उसमें सफलता मिली है और हालांकि मौसम बहुत प्रतिकूल था, इसमें प्रशासन का सहयोग रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोपालगंज का, एसपी गोपालगंज का, हमारे जितने प्रधान न्यायाधीश से लेकर जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के जो पदाधिकारी हैं और CJM, अन्य ACJM तथा न्यायिक दंडाधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं और DLSA के भी कर्मचारी हैं, उन सबके सहयोग से इस लोक अदालत में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। एडू हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन
घड़ियों और चश्मों की स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस डीएवी हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूज हॉलमार्क सोने चांदी के साथ आईजीआई द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गोपालगंज जिले के निवासी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनय दुबे को पटना स्थित राजद कार्यालय में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के द्वारा नियुक्ति पत्र देकर बिहार आपदा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान पार्टी कार्यालय स्थित में हो रहे कार्यक्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर PK चौधरी, पूर्व मंत्री विष्णु पटेल, पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित हजारों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। वहीं आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद राजद नेताओं ने विनय दुबे को फूल माला पहनाकर बधाई दी। इस दौरान विनय दुबे ने कहा कि मैं पार्टी के शुक्रगुजार हूं कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मैं अपने दायित्व को बखूबी निर्वहन करूंगा। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर आने जाने वाले सभी गाड़ियों में सघन जांच अभियान शनिवार को चलाया गया। RPF इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप ने बताया कि वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त बनारसी के निर्देश के आलोक में 26 अगस्त से 9 सितंबर तक सभी ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाकर यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ व विस्फोटक पदार्थ नहीं ले जाने के लिए जागरूक अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन यार्ड में पर्यटन ट्रेन में हुए विस्फोट के चलते सभी गाड़ियों में जांच कर यात्रियों को ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने को लेकर जागरूक किया गया। जागरूकता के दौरान मंडल वाणिज्य निरीक्षक सिवान विशाल कुमार सिंह, स्टेशन मास्टर सिवान पप्पू कुमार व RPF उप निदेशक रूपेश शुक्ला सहित RPF जवान एवं थावे जंक्शन के रेलकर्मी शामिल थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इंटरनेट के माध्यम से लोगों की शिकायत को सुना और निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए। इसके लिए पहले से ही लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और तय समय तथा लिंक पर 9 लोग इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से जुड़ गए, जिसमें से पुलिस अधीक्षक से आधा दर्जन लोगों ने अपनी शिकायत की। इसमें से अधिकांश लोग दूसरे प्रदेश या दूसरे देशों से जुड़े हुए थे। इसमें अबू धाबी और दुबई तथा मुंबई और दिल्ली से भी लोग जुड़कर पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिसके निष्पादन को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव में 15 जून 2018 को एक दहेज हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया था और तभी से ये आरोपी फरार चल रहे थे। अब लगभग 5 वर्षों बाद पुलिस ने इस कांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी प्रमोद महतो है तो दूसरा राजमती देवी और तीसरा सरिता देवी बताए जा रहे हैं। ये तीनों खैरा गांव के ही निवासी हैं। पुलिस ने इन तीनों पर पहले से मामला दर्ज किया हुआ था। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार को पंचदुरी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी ने HM की बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में 19 बिंदुओं पर 2 घंटे तक मंथन चला। BEO ने बताया कि बैठक में सभी शामिल HM को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें विद्यालय अवधि में कोई भी शिक्षक बेवजह मोबाइल का उपयोग करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के पोषण क्षेत्र में 100% बच्चों का नामांकन करना आवश्यक है, साथ ही बिना सूचना के 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन,
रद्द कर वीआरसी को सूचित देना है। जिस वर्ग कक्ष में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 50% से कम होगी उस वर्ग कक्ष के शिक्षक का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। साथ ही बीईओ ने स्वैच्छिक शनिवार साप्ताहिक मूल्यांकन, प्रत्येक शनिवार को मासिक मूल्यांकन 29 व 30 तारीख को करने का निर्देश दिया। बीईओ ने कहा कि विद्यालय अवधि में कोई भी वर्ग कक्ष बंद नहीं रहेगा। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम संतू कुमार बताया जा रहा है। ये आरोपी सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के ही लोहजीरवा गांव के निवासी मोहन राम का पुत्र है। इसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके बाद इस आरोपी से पूछताछ करने के उपरांत इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसके द्वारा देसी कट्टा कहां से खरीदा गया था और इसका इस्तेमाल कहां करने वाला था तथा उसकी अन्य आपराधिक इतिहास के मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके। विजयपुर प्रखंड के मटिहारी गांव में चल रहे शाहीन स्पोर्टिंग क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच उत्तर प्रदेश के मऊ एवं सिवान के बीच खेला गया। शुरुआत में दोनों ही टीम एक दूसरे पर भारी नजर आए। मैच काफी रोमांचक रहा। अंतिम क्षण में मऊ के टीम को विजयश्री प्राप्त हुआ। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की पडरौना टीम इसके पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। फाइनल मैच रविवार को मऊ एवं पडरौना के बीच खेला जाएगा। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लगभग 1.5 वर्ष पहले माझागढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसमें अज्ञात अपराधियों पर चौकीदार के आवेदन अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इस मामले की मानवीय साक्ष्य था। तकनीकी अनुसंधान करते हुए पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसमें एक आरोपी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी समस्तीपुर जिला का रहने वाला गोविंद यादव बताया जा रहा है, जो हसनपुरा थाना क्षेत्र के खरगिहा गाँव का निवासी है और इस कांड में शामिल दो और आरोपी अभी फरार हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इनमें फरार चल रहे एक आरोपी के साथ इस महिला का प्रेम प्रसंग था और इसी को लेकर हत्या की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने इस कांड के उद्भेदन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया है और बाकी के दो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात बताई है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उनसे इस पूरे कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अन्य दो आरोपियों की जानकारी भी इसके द्वारा दी गई है। इस तरह से इस अनसुलझे हुई हत्याकांड का पुलिस ने जिस तरह से उद्भेदन किया है वह काफी काबिले तारीफ है। कुचायकोट प्रखंड के करमैनी गाजी गांव निवासी कृष्णा पांडे की बेटी रूबी कुमारी एवं बेटे विकास कुमार पांडे ने एक ही साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर न सिर्फ परिजनों को दोहरी खुशी दी है बल्कि क्षेत्रवासियों को भी गौरवान्वित किया है। विकास ने जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये उपलब्धि हासिल की है, वहीं रूबी कुमार ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से विकास का शोध प्रबंधन जहां गोपालगंज जिले के बढ़ते नगरीकरण एवं उभरते केंद्र पर, तो वही रूबी कुमारी का शोध प्रबंधन सतत विकास एवं प्रचलित योजनाओं के मध्य स्थित संबंधों पर आधारित था। इससे पहले दोनों भाई बहनों ने इस शोध प्रबंधन को कई प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रकाशित करवाया। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर के पूजा पाठ के बाद सोमवार से सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। शनिवार के दिन सीओ अभियंता और आर्किटेक्ट द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए दुर्गा मंदिर परिसर में आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया गया। सीओ रजत कुमार बर्नवाल ने बताया कि सौंदर्यीकरण के लिए सबसे पहले सड़क और नाले का सर्वे किया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर के पूर्व बगल तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए काम जारी है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के पूर्व से लेकर रहसु भक्त मंदिर तक के दोनों तरफ की दुकानों को हटाने के निर्देश दिया गया है। पहले फेज में 200 दुकानें बनाई जाएंगी। जो दुकानदार पहले से हैं उन्हें दुकानदारों को पहले आवंटित किया जाएगा। दोनों तरफ की दुकानों को हटाकर नए सिरे से 10/12 की दुकानें तैयार कर जिनका पहले से दुकान था उसी दुकानदार को पुनः दुकान आवंटित किया जाएगा। दुकान हटाने के समय वीडियोग्राफी कराई जाएगी। नए तरीके से बने दुकानों को प्रशासन के माध्यम से फिर से आवंटित किया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट का टेंडर अनिमा प्राइवेट लिमिटेड पटना को मिला है। मंदिर सौंदर्यीकरण का कार्य 18 माह के अंदर पूरा कर लेने की बात बताई जा रही है। सर्वे के दौरान सीओ, आर्किटेक्ट व अभियंता आदि मौजूद थे। थावे स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें दो भूमि संबंधित मामले का निपटारा कर दिया गया। सुबह से ही काफी संख्या में जनता दरबार में फरियादी पहुंचे हुए थी। सीओ रजत कुमार बर्नवाल ने बताया कि जनता दरबार में भूमि संबंधित 4 मामले आए थे,
जिनमें दो भूमि संबंधित मामलों को निपटारा कर दिया गया है तथा अन्य मामलों को अगले जनता दरबार में कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। मौके पर अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार, दरोगा पिंटू कुमार, कर्मचारी अफ्ताब आलम व अमीन प्रेम नारायण पंडित सहित पक्ष विपक्ष के लोग जनता दरबार में मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।